बिल्डिंग्स ऑफ द टेम्पल हैकल की जो बिल्डिंग uh, है जो uh, उसकी इमारतें हैं वो दिखाने के लिए एंड सेट टू दैम और ये उनसे कहा डू यू नॉट सी ऑल दीज थिंग क्या तुम ये सारी चीजें नहीं देखते आ श्योर्ड ये टू यू मैं तुमसे सच सच कहता हूं नॉट वन स्टोन शेल बी लेफ्ट हेयर अपॉन एनदर पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा यानी कि एक स्टोन पर दूसरा स्टोन बाकी ना रहेगा दैट शेल नॉट बी थ्रोन जो गिराया ना जाए नो एज ही सेट ऑन द माउंट ऑफ ऑलि जो ही वो पहाड़ पर ऑलिव जैतून के पहाड़ पर बैठा द डिसाइपल्स केम टू हिम प्राइवेटली तो शागिर्द जो है वो तनाई में उसके पास आए सेंग ये कहने के लिए या ये कहते हुए टैलास हमें बताओ वेन विल दीज थिंग्स बी कि ये चीजें कब होंगी एंड वट विल बी द साइन ऑफ योर कमिंग और तुम्हारे आने का निशान क्या होगा एंड ऑफ द एंड ऑफ द एज आखिर है या इख्ताम जो है इस जमाने का या दौर का या दुनिया का यशु ने जवाब दिया एनसेट टू दैम और उनसे कहा टेक ही खबरदार रहना दैट नो वन डिसीव यू कि कोई तुमको धोखा ना दे फॉर मैनी विल कम इन माई नेम क्योंकि बेरे मेरे नाम से आएंगे ये कह, 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 कहते हुए आई एम द्राइस्ट के मैं सी हूं यू और तुमको धोखा देंगे होता है धोखा देना एंड यूर ऑफ वॉर्स और तुम लड़ाइयों का सुनोगे वॉर्स जंगों का लड़ाइयों का सुनोगे एंड रूम ऑफ वॉर्स और लड़ाइयों की अफवाहों का सुनोगे सी दैट देखना यू और नॉट ट्रबल्ड के परेशान ना होना ये देखना कि परेशान ना होना या घबराना मत फॉर ऑल दी सिंग्स मस्ट कम टू पास टू पास का मतलब है happen या यानी कि कि का मतलब है कि ऐसा होगा जरूर होगा क्योंकि फार का मतलब यहां पे है क्योंकि ऑल ये सारी चीजें मस्ट कम टू पास इन सारी चीजों का होना जरूर है बट नॉट येट लेकिन इख्तिताम अभी नहीं है यानी कि अभी आ, आखिर अभी नहीं आया फार नेशन विल राइज अगेंस्ट नेशन कॉम कॉम पर चढ़ाई करेगी एंड किंगडम अगेंस्ट किंगडम और सल्तनत सल्तनत पर एंड देर कहत पड़ेंगे pestilences, pestilences का मतलब होता है वबा कोई बीमारी ऐसी आ जानी एपिडेमिक कोई ऐसी आ जानी जो फैलती है पूरे मुल्क में और जैसे ब्लैक डेथ एक वबा चली इसी तरह कई वबाएं आई ये वबाएं आएंगी एंड अर्थक्वेक्स और अर्थक्वेक्स किसको कहते हैं भोंचाल और बंचाल आएंगे जलजला जिसको कहते हैं इन वेरियस दीज आर द बिगनिंग ऑफ सॉरिजीत का आगाज होगा then they will deliver you up, और फिर वो हवाले करेंगे टू ट्रिबुलेशन इजा देने के लिए एंड किल यू और कत्ल करने के लिए या कत्ल करेंगे एंड यू विल बी हेट और तुमसे नफरत की जाएगी बाय ऑल नेशन

प्रॉपर uh, अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तरह इस इस किस्म के सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट करना है एंड यू विल बी हेटेड बाय बाय ऑल नेशंस फॉर माई नेम्स मेरे नाम की खातिर सारी को मैं तुमसे अदावत रखेंगी या तुमसे नफरत करेंगी एंड देन विल बी ऑफेंडेड ऑफेंड के कई मतलब हैं ऑफेंड uh, का मतलब गुस्सा भी आना होता है ऑफेंड का मतलब नाराज होना या यहां पे जो ऑफेंड है वो ये है कि बर्गष्टा हो जाना अपने ईमान से पलट जाना यानी इनके जो एंड मेनी और मेनी का यहाँ पे तर्जुमा करेंगे कि बुतेरे विल बी विल बी ऑफैंडेड बर्गष्टा हो जाएंगे आप ईमान से भटक जाएंगे विल बेट्रे वन अनदर और एक दूसरे को गुमराह बेट्रे का मतलब है गुमराह करना गुमराह करेंगे एंड विल हेट वन अनदर और एक दूसरे से नफरत करेंगे देन मेनी फॉल्स प्रॉफिट्स फिर बुतेरे झूठे नबी राइज अप उठ खड़े होंगे एंडीव मैन और बतेरों को वो धोखा देंगे या गुमराह करेंगे एंड बिकॉज लॉलेसनेस विल अबाउंड लॉलेसनेस का मतलब है बेदीनी के बेदीनी बढ़ जाएगी द लव ऑफ मैनी और बतेरों की मोहब्बत विल ग्रो कोल्ड ठंडी पड़ जाएगी बट ही हुआ वो जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा बी वो क्या होगा वो बच जाएगा अच्छा ये जुमले पे गौर करें आधा जुमला जो जो है वो में है एस वाली जो है वो में यानी वाली फॉर्म लगी तर्जुमा जब करते हैं तो वो दोनों फ्यूचर में ही करते हैं गा ही दोनों पे एंड पे जैसे ये बट ही विल जब बर्दाश्त करेगा आखिर तक टू शैल बी सेव्ड वो बचेगा अब देखें दोनों पे एंड पे हम गा लगा रहे हैं कि फ्यूचर में ही इसको ट्रांसलेट करना है एंड दिस गॉस्पल ऑफ द किंगडम और आ, बादशाहत की ये जो अंजील है या खुशखबरी है विल बी प्रीज्ड ये पैसिव है विल बी के थर्ड फॉर्म विल बी सेव्ड विल बी प्रीज्ड सुनाई जाएगी यहां पे ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम हो रहा होता है वो उसका जिक्र पहले आ रहा होता है वो उसने सब्जेक्ट की जगह ली होती है तो गॉस्पल जो है वो सुनाई जाएगी इन ऑल द वर्ल्ड सारी दुनिया में एज ए विटनेस गवाही के तौर पर टू ऑल देशन सारी कौमो को एंड देन एंड विल कम और फिर जो है वो अख्ताम होगा द ग्रेट ट्रिबोलेशन की बोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन ए बोमिनेशन मकर वाली यहां उजाड़ जो है ना डेसोलेशन का मतलब यहां पर हम तर्जमा कर सकते हैं उजाड़ने वाली मकरू चीज अबोमिनेशन यहां मकरू चीज को हम कह सकते हैं एक अबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन आप अगर गूगल पे जाके स्टडी करें आपको पता चल गया ये है क्या प्रॉपर आप फर्दर इसपे सीख सकेंगे तो उजाड़ने वाली मकरू चीज जब तुम देखो स्पोकन ऑफ बाय डैनियल द प्रॉफिट जो के दानियल नबी के सिफा में भी लिखा हुआ दानियल नबी की मार्फत जो कहा गया स्टैंडिंग इन द हॉली प्लेस जो वो पाक जगह पे जब Uh, मकरू करने वाली या उजाड़ने वाली मकरू चीज को जब आप तुम देखो हुआ रीड्स जो कोई पढ़े लेट हिम अंडरस्टैंड वो समझे देन लेट आर इन जूडिया और वो जो यूदिया में है फ्ली टू द माउंटेन्स वो पहाड़ों को भाग जाए लेट हिम हु इज ऑन द हाउस टॉप वो जो छत पे है नॉट गो डाउन टू टेक एनीथिंग आउट ऑफ हिज हाउस तो वो नीचे ना आए घर से कुछ चीज लेने के लिए नीचे ना आए वो छत पे ही रहे एंड लेट हिम हु इज इन द फील्ड और वो जो आ, अच्छा इसको तर्जमा थोड़ा सा मैं सिखा देता हूं कि किस तरह ये लेट वाला फिक्र हम तर्जमा करते हैं हम करते हैं जैसे इसी फिक्र को पकड़ते हैं हु इज इन द फील्ड पे है खेत में है लेट हीम नॉट गो बैक इसको इसके साथ हम जोड़ेंगे एंड लेट हीट हिज क्लॉथ कि वो वापस अपने कपड़े लेने के लिए ना जाए बट वो टू दोज उन पर अफसोस हु आर प्रेगनेंट के जो हामला होंगी एंड टू दो उन पर अफसोस हु आर नर्सिंग बेबीज इन दो दिनों में दूध पिला रही होंगी एंड प्रे दैट और दुआ करो योर फ्लाइट में नॉट बी इन विंटर के तुम्हें सर्दियों में और ऑन दब्बत या सब्बत वाले दिन या सर्दियों में फ्लाइट यहाँ पे मतलब यही है कि तुम्हें इसमें दौड़ना ना पड़े मतलब वो जियत जो है वो दुख के दिन जो है वो इन सर्दियों में ना आए और यहाँ सबक वाला दिन ना हो फार देन देर विल बी ग्रेट ट्रिबुलेशन क्योंकि बहुत तक, तकलीफ वाला दिन होगा या बहुत बड़ी अजीत होगी सच एज हैज नॉट बीन सिंस द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड ऐसी के जो अब तक दुनिया की इब्तदा से कभी ना हुई आंटिल दिस टाइम अब तक कभी ऐसी अजियत ना हुई नो no, और ना ही नॉर एवर शैल बी और ना ही कभी ऐसी होगी एंड अनलेस वो दिन कम ना किए जाते या ना जाते नो no saved. यहाँ फ्लैश का मतलब वैसे तो गोश्त होता है यहां पे का मतलब है कोई भी बशर या इंसान या जिंदगी ना बच पाती बट अगर वो दिन घटाए ना जाते कम ना किए जाते बट फॉर द इलेक्ट्स इलेक्ट का मतलब है जो चुनीदा लोग हैं चुने हुए हैं जो बर्गजीदा लोग हैं फॉर द इलेक्ट्स से जो की खातिर, लेकिन बर्गजीतों की खातिर डेज विल बी शॉर्ट एंड कम किए जाएंगे Then if anyone says to you, फिर अगर तुमसे कोई कहता है Look, देखो, here is the Christ, के यहां है और दे और और वहां है देखो मसीह और तो उसका यकीन मत करना क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे एंड शो ग्रेट साइंस एंड वंडर्स वो अजीब काम और बड़े मोजात वो निशानात दिखाएंगे टू डिसीव धोखा देने के लिए इफ पॉसिबल और अगर मुमकिन हुआ इवन द इलेक्ट और वो जो बरगजीदा है, है उनको भी धोखा देंगे सी देखो आई हैव टोल्ड यू बिफोर हैंड मैंने तुमको पहले ही बता दिया अच्छा मैंने ट्वेंटी फिफ्थ तक कहा हम तीन आयात और पढ़ लेते हैं तुमसे कहें लुक ही इज इन वो देखो वो Uh, ये बियाबान में है डू नॉट गो आउट बाहर मत जाना और लुक और देखो ही इज इन द इनर रूम्स देखो वो कमरे और अगर कोई कहे कि देखो वो कमरे में अंदर कमरों में है डू नॉट बिलीव इट तो उसका यकीन ना करना फार क्योंकि एज द लाइटनिंग कम्स फ्रॉम द ईस्ट क्योंकि जैसे मशरिक से बिजली चमकती है फ्लैशेस टू वेस्ट और कहां तक ईस्ट से वेस्ट यानी कि मशरक से चमकती है और मगरब तक वो जाती है उसकी रोशनी जाती है सो कमिंग ऑफ द सन ऑफ मैन विल बी इसी तरह इबन आदम का कि आमिद होगी या उसका आना भी ऐसे ही होगा और वेयर एवर द काकस इज जहां मुर्दार है काकस का मतलब होता है डेड यानी कि डेड बॉडी और जहां मुर्दार है द ईगल्स विल बी गैदर टुगेदर वहां गिद्ध जो हैं ईगल जो हैं वो इकट्ठे होंगे सो so, आज भी काफ़ी नए लफ्ज़ हैं काफ़ी स्ट्रक्चर्स हैं आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपनी ब्लेसिंग के लिए दूसरों तक इसको जरूर पहुँचाएँ और इसको कंटिन्यू रखें अपनी रीडिंग सीरीज को हम आगे नई वीडियोस बनाएंगे जो और इससे थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा के वीडियोज़ को पेश करेंगे ताकि आप और सीख सकें थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू